सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में है कुछ किचन टिप्स और छोटी छोटी सी रेसिपीज जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं और आपके रोज़ के काम को बहुत आसान बना देंगी। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरी टिप जो है बहुत ही यूज़फुल है, ये है बाजरे के आटे से मसालेदार लच्छा पराठा बनाने की। तो ये मैंने एक कप पानी लिया है कढ़ाई में, इसमें अब डाल लेंगे थोड़ा सा नमक, एक चम्मच डालेंगे ऑयल और थोड़ा हरा धनिया, इसको बॉईल होने देंगे। बाजरे का आटा जो होता है ना, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आजकल तो सब लोग जैसे गेहूं का आटा कम कर दिया है खाना, इसकी जगह अब बाजरे का आटा, ज्वार का आटा और मक्की के आटे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। बस इनको बनाने में एक ही दिक्कत आती है कि इसकी रोटियां जो है ना बनाते हुए टूटती हैं, तो उसका सलूशन आज मैं आपको बता ही रही हूँ। तो पानी में बॉईल आ गया है, तो इस समय इसमें डाल देंगे बाजरे का आटा एक कप, तो जितना पानी और उतना ही आटा लेना है। अब इसको मिक्स करना है, तो बहुत अच्छी तरह भी ये मिक्स नहीं होगा, तो अब गैस को कर देंगे बंद और इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। पराठे बनाने हैं तो उसके लिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो बाउल में लेंगे नमक, सादा नमक आधी चम्मच, आधी चम्मच काला नमक, अमचूर पाउडर आधी चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच और जीरा पाउडर आधी चम्मच से थोड़ा कम लिया है। चिली फ्लेक्स भी मैं इसमें डाल रही हूँ और रेड चिली पाउडर भी इसमें आधी चम्मच डाल रही हूँ। अब ये मैंने ली है पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग, अगर ये आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप ओरिगैनो भी ले सकते हो। और कसूरी मेथी भी थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, आप चाहो तो इसमें अजवाइन का यूज़ भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टी सा मसाला बन जाता है, इस मसाले को बनाकर आप रख भी सकते हो, जब भी आपने पराठे बनाने हो तो आप इससे बना सकते हो। आटे को कवर किए हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, तो देखें अभी आटा जो है बहुत गर्म है, इसको एक बड़ी प्लेट में या किसी बाउल में निकालना है, तो मैंने इसे निकाल लिया है बाउल में। अब जब ये थोड़ा ठंडा होगा ना, इतना हो जाए कि इस पर हाथ लगा सके, हम इसे मसल सके, तो ऐसा अब ये हो गया है, तो इसको अब आराम से हम अच्छी तरह से मल लेंगे, जैसे कि हम आटे को गूंथते हैं ना उसी तरह से ही करना है। तो ये देखिए मैं इसे मल रही हूँ, हाथ की हथेली से मल रही हूँ, इस तरह से आपने इसको मलना है, तो वैसे ये बिल्कुल ठीक है। अगर लगे कि ये थोड़ा सा सूखा सूखा है ना, तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब पानी, तो जैसा आपको महसूस हो, जितनी ज़रूरत हो आप उतना इसमें पानी मिला सकते हो। इसका आटा हमने तैयार करना है जैसे हम गेहूँ का आटा तैयार करते हैं ना रोटी के लिए, बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट सा। देखिए अब ये तैयार हो गया है, तो इससे एक मैंने पेड़ा बना लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं लच्छा पराठा। तो ये मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी पहले लगा लिया है, इसके ऊपर पेड़ा रखकर थोड़ा सूखा आटा डालकर इसको बेल लेंगे, अच्छी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए आप, इतनी बड़ी सी मैंने रोटी बनाई, बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है, बहुत पतली सी भी बनकर तैयार हुई है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे, अब जो मसाला तैयार किया है वो इसके ऊपर फैला लेंगे। अब इसको हमने करना है फोल्ड, तो देखिए इस तरह से करेंगे जैसे हम बचपन में पंखा बनाते थे ना कागज से, बिल्कुल वैसे ही करना है। रोटी को दोनों साइड से पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, फिर इस तरह से दबा देंगे, फिर रोटी को थोड़ा आगे करना है, फिर इस तरह से दबा देंगे, इस तरह से करके इसको हमने पूरा ऐसे फोल्ड कर देना है। अब इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से दबा देंगे, जिससे चिपक भी जाएगी और ये देखिए थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी। इसको आप घुमा देंगे, रोल रोल कर देंगे और ये पेड़ा सा बन गया है, जहाँ लास्ट हुआ है ना उसको हल्का सा दबा देंगे जिससे चिपक जाएगा। अब इसको मैं अलग रख रही हूँ, दूसरा भी मैं इसी तरह से बना रही हूँ।
अब इनको बेलना है, तो एक पेड़ा मैंने ले लिया है, नीचे थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है, इसको हाथ से हल्का सा दबाकर इसके ऊपर अभी लगाएंगे हम अनियन सीड्स यानी कलौंजी और थोड़े से सफ़ेद वाले तेल। वैसे आप चाहो तो इसके ऊपर लहसुन काट कर भी लगा सकते हो और इसको हल्के हाथ से बेलना है। तो ये देखिए आप, बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा है, बेल रहा है। अब इसको हम डालेंगे तवे के ऊपर, गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको अब हमने सेकना है, तो पलट पलट कर सेक लेंगे। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, चाहे तो आप ऑयल लगा सकते हो। और ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। देखिए आप, इसकी लेयर्स कितनी अच्छी तरह से अलग होनी शुरू हो गई हैं। अब इसको मैंने सर्व किया है दही के साथ। अब ये पराठा मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए आप ये कितना क्रिस्प बना है, एक एक लेयर इसकी अलग हो रही है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अगर आपसे बाजरे की रोटी नहीं बनती है तो आप इस तरीके से बनाना, आपसे बाजरे की रोटी, पराठे सब बहुत ही अच्छी तरह से बनेंगे और सब आपकी तारीफ ही करते रहेंगे। ये मैंने ली है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी से मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बनानी बताई हैं, पर आज हम इससे बनाएंगे हल्दी पाउडर। तो कच्ची हल्दी जो है बेसिकली रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ज़मीन के नीचे ये होती है। तो ये मैंने ली है 300 ग्राम के करीब, तो आप जितना लेना चाहो ना ले लेना। तो इससे अब हम बनाएंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप ये सोचेंगे इसको क्यों बनाना, पर जो हम घर पर बनाते हैं ना वो बिल्कुल प्योर होता है। आप इसे ऑर्गेनिक पाउडर भी बोल सकते हो, बिल्कुल प्योर, कोई मिलावट नहीं होती है। तो इसको मैंने धो लिया है, धोकर कुकर में डाल रही हूँ बॉईल होने के लिए। वैसे आप चाहो तो इसे पतीले में भी बॉईल कर सकते हो, पर कुकर में जल्दी काम हो जाएगा। साथ में एक कप पानी डाल दिया है और इसमें अब हमने सीटी लगवानी है, तो फुल फ्लेम पर इसमें दो विसल लगवानी है। जब कुकर ठंडा होगा ना तो इसको खोलेंगे। कुकर हो गया है ठंडा, तो हल्दी को निकाल लेंगे। तो हल्दी बॉईल करने से ना हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसको देखिए मैं स्टील की प्लेट में निकाल रही हूँ, आप भी स्टील की प्लेट लेना या फिर ग्लास की प्लेट लेना। प्लास्टिक की प्लेट में अगर इसको रखेंगे ना तो इसके स्टेन आ सकते हैं। और अब इसको छीलना है तो आप हाथ में ग्लव्स भी पहन सकते हो, जिससे कि हल्दी के स्टेन नहीं आएंगे हाथ पर। तो इसको छीलना है अच्छी तरह से और उसके बाद इसको अब हमने सुखाना है। तो सुखाने के लिए इसको आप क्या कर सकते हो, नाइफ से छोटे छोटे पीस कट कर सकते हो या फिर आप इसको थोड़ा सा कूट सकते हो। देखिए इस तरह से मैं कूट रही हूँ ना, कूट भी सकते हो। तो चाहे तो आप ग्रेट करना चाहते हो ना तो ग्रेट भी कर सकते हो, पर ग्रेट करने से क्या होगा, फिर जब आप पाउडर बनाओगे ना तो उससे अच्छी तरह से वो पिसता नहीं है। तो कूट लेना या फिर इसको इस तरह से काट लेना पीसेस करके। इसको धूप में सूखने के लिए रखना है, दो या तीन धूप इसमें लगानी पड़ती है, क्योंकि आजकल धूप भी बहुत तेज नहीं आ रही है। तो अब ये देखें, दो दिन की कड़क धूप में ये सूखकर तैयार है। देखिए ऐसे ही आपने सुखाना है, तोड़े तो ये ऐसे जैसे हम लकड़ी तोड़ते ना एक इस तरह से टूटे, अगर ज़रा भी इसमें मॉइस्चर रहेगा ना तो ये अच्छी तरह से पीसेगी नहीं। तो इसको अब मैं पीस रही हूँ। तो देखिए आप, मैंने इसको बिल्कुल फाइन सा पीस लिया है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हल्दी है, प्योर है, बिल्कुल प्योर हल्दी बनकर तैयार हुई है। और जो हम मार्केट से लाते हैं ना उसके साथ मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाती हूँ। ये देखिए कलर में ही कितना अंतर है, बहुत अंतर होता है। आप इसे घर में पीस कर बना कर स्टोर कर सकते हो, जल्दी से ये ख़राब नहीं होती है, एयरटाइट जार में इसको आप डालकर रख सकते हो। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? दोनों में से आपको कौन सी वाली टिप ज़्यादा अच्छी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।